उसके बाद है नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, पीपल फ्रॉम नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स आउट ऑफ अ सोशियबल कैरेक्टर्स. मैन इन बाय नेचर अ सोशल एनिमल, बट नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्राउंड्स. सच ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय पर्सन ऑफ सेम रिलीजियस एथनिक फैमिली एंड कम्युनिटी. Affinity develop among the people of same religious, ethnic group or kinship. The member of non-associational group complain about their non-delegation of legislature or fulfillment of legitimate demand. The presence of non-associational interest group is very common in developing society because of great attachment of people of their religion, kinship and caste. It has been found out that these group or subgroup fight together against authority and non-political consideration. The authority of political system is forced to comply with their demand. अगेन मैं इसको उर्दू में समझाने जा रही हूँ, इंग्लिश में मुश्किल नहीं लिखा हुआ. इंस्टीट्यूशनल ग्रुप वो हैं जो बकायदा इंस्टीट्यूशंस के अंदर ग्रुप बने होते हैं, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस वो जिनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है. नॉन एसोसिएशनल ग्रुप वो हैं जो आउटसाइड द इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं होते, लोगों ने खुद बेस बनाए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड. एक मजहब के लोगों ने बनाए होते हैं, एक रंग के लोगों ने बनाए होते हैं, या एक जुबान के लोगों ने बनाए होते हैं, किंग यानी कि खून के रिश्ते पे, बरादरी के बेस पे लोगों ने बनाए होते हैं. ये जो है सम टाइम डिमांड रेस करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि इनकी कोई स्पेसिफिक जो है वो डिमांड फुलफिल की जा सके. अगर आपको याद होगा कि 2 ईयर्स बैक खादिम रिजवी साहब ने जो है बाकायदा धरना दिया था, उनके एक रिलीजियस ग्रुप ने खत्म नबूवत के बिल के ऊपर जो है वो धरना दिया था. वो चाहते थे इस बिल को जो है वो जो है लेजिटिमेट किया जाए, पास किया जाए, खत्म नबूवत के जो आर्टिकल्स के जो शिक्के हैं जो आर्टिकल्स हैं उसको छेड़छाड़ ना की जाए. तो ये ग्रुप क्या करते हैं, ये अपने किसी रिलीजियस के बेस पे कंबाइन हो जाते हैं, किंगशिप के बेस पे कंबाइन हो जाते हैं. उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो अपने स्पेसिफिक रिलीजियस या कास्ट किंग के जो इंटरेस्ट है ना उसको जो फुलफिल करा सकें, उसके ऊपर बात कर सकें. थर्ड है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप. ये ग्रुप जो है सिर्फ और सिर्फ फसादात और दंगे और लड़ाई झगड़े करने के लिए पैदा होता है, यानी कि ये सिर्फ तब सामने आते हैं जब इनकी जो है इनको लगे कि अब सोसाइटी में तोड़फोड़ करनी है या सोसाइटी में जो है बदनज़मी लानी है. इन ऑलमोस्ट ऑल पोलिटिकल सिस्टम रॉट्स, यानी कि फसादात और मिलिटेंट डेमोन्स्ट्रेशन फ्रिक्वेंटली इरप्ट एंड दीज आर लेड बाय मैन हु वेंट टू स्नैच अवे फ्यू प्रिविलेज फ्रॉम द पोलिटिकल सिस्टम. और ये समटाइम कुछ ऐसे लोगों के हाथ में होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो अल्ताफ हुसैन का जो ग्रुप था वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप था. वो क्या करते थे, वो जो है वो बकायदा दंगे फसाद करते थे, लोगों को मारते थे, किडनैप करते थे, ताकि जो है उन वो गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मनवा सकें. आपको पता है ना क्या कहते हैं, किडनैपिंग है, भत्ताखोरी है, ये इकोनॉमिक ग्रुप करते हैं ताकि लोगों पे प्रेशर एग्जर्ट कर सकें या पॉलिटिकल सिस्टम पे प्रेशर एग्जर्ट कर सकें. दीज ग्रुप आर कॉल्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप. इकोनॉमिक का मतलब है जो लोग फसादात पसंद करते हैं. दीज ग्रुप हैव नो परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये परमानेंट नहीं होते, ये अपने मफादात की अपने सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में कल्चर के मुताबिक जो बदलते रहते हैं. सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली ये जनरेट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जनरेट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. उन सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक इशू देख सम्पटोनियसली फॉर्म एग्रीटेशन, यानी कि लड़ाई झगड़े. एग्रीटेशन का मतलब है लड़ाई झगड़े और लेट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है. इम्फेसाइजिंग दियर रोल आर्मी सेड इकोनॉमिक ग्रुप बिसाइड आर्टिकुलेटिंग इंटरेस्ट आल्सो परफॉर्म द एजुकेशन फंक्शन, रूल एप्लीकेशन फंक्शन सच एज टू फ्री द प्रिजनर एंड कम्युनिकेशन फंक्शन which mean communicating the news to various economic interest group. यहाँ पर मैंने जो है प्रिजनर्स का कह दिया. फॉर एग्जाम्पल वो कोई पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन भी अपनी मर्जी से चाह रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं जो आउटपुट है वो भी उनकी मर्जी से आए, या वो किसी को किडनैप कर लेते हैं ताकि उनका कोई साथी को छुड़ाया जा सके. यानी कि ये वो ग्रुप है जो इन डिमांड जनरेट करते हैं, लेकिन इनके डिमांड जनरेट करने का तरीका क्या है, वो नेगेटिव है, वो फसादात हैं, वो लड़ाई झगड़े हैं. फोर जो ग्रुप है जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करता है वह एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप है. सच ग्रुप आर फाउंड बाय द ट्रेड यूनियन है, बिजनेस है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, प्रोफेशनल ग्रुप है, पर्सन है. और पाकिस्तान की बात करें तो यंग डॉक्टर्स हैं, वो एसोसिएशनल ग्रुप्स हैं, ठीक है. ये ग्रुप्स क्या करते हैं, जो है वो जनरेट होते हैं ताकि अपनी ही प्रोफेशन, आपको एसोसिएशन से याद रखना है, इनका कोई ना कोई प्रोफेशन होता है, ठीक है, ये प्रोफेशनल लोग हैं.
इंस्टीट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकगनाइज नहीं हुए, लेकिन प्रोफेशनल कि इनका कोई ना कोई, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ताजर बरादरी, हम कहते हैं ना आज अक्सर खबरों में सुनते हैं आज ताजर बरादरी ने हड़ताल का ऐलान किया, ताजर बरादरी, यंग डॉक्टर्स, रिक्शा यूनियंस, लेबर यूनियंस, तो ये लोग होते हैं, दे आर्टिकुलेट आर्टिकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय सच ग्रुप इज क्वाइट प्रोमिनेंट इन ऑल पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है. ट्रेड यूनियन क्रिएट प्रेशर अपॉन द इंडस्ट्रीज और अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर डिमांड, ठीक है, वो चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज बने, ऐसी डिमांड्स बने, ऐसा इनपुट हो जो उनके अकॉर्डिंगली हो, टैक्स कम से कम लगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो. दिस फॉर्म ऑफ टेक्निक टू आर्टिकुलेट इंटरेस्ट इज नॉट ओनली कॉमन बट वेरी इफेक्टिव. इन डेमोक्रेटिक कंट्री द राइट ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशन एंड थ्रू इट प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट राइट एंड वर्कर एंड प्रोफेशनल ग्रुप टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी एग्रीगेट फॉर रियलाइजिंग दे ऑफ देयर डिमांड, ठीक है, जो प्रोफेशनल ग्रुप है. और मैं जो लास्ट पॉइंट है उसमें आलमंड ये कहते हैं कि हर पोलिटिकल सिस्टम का डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम में ये इन लोगों को डेमोक्रेटिक राइट होता है कि आप एसोसिएशन फॉर्म करें और ये उसके राइट को यूटिलाइजेशन करते हुए अपने डिमांड्स को रेज करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं और यकीन कर जो है वो यकीन की हद तक कोशिश करते हैं कि उनकी डिमांड रियलाइज हो, यानी कि हकीकत का रंग उनकी डिमांड्स को मिले और जो डिमांड्स है वो बाकायदा आउटपुट में कन्वर्ट हो. इन द ओपिनियन ऑफ ऑलमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन फंक्शन में भी मैनिफेस्ट भी हो सकता है, लैटिन भी हो सकता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन छुपा हुआ भी, जाहिर भी, स्पेसिफिक भी हो सकता है, पर्टिकुलर, स्पेशलाइज, डिफ्यूज यानी कि कन्फ्यूज, फैला भी हो सकता है, जर्नल भी हो सकता है, पर्टिकुलर भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, इफेक्टिव भी हो सकता है. ये यानी कि उसकी वे है, यानी कि एक सिस्टम में जो है कुछ लोग आर्टिकुलेशन जो है, आपको जैसे सोशलाइजेशन में कहा था लैटिन और मैनिफेस्ट, इसी तरह आर्टिकुलेशन में जो है वो भी छुपी हुई भी हो सकती है डिमांड्स, यानी कि लोग जो है दबी दबी आवाजों में अपनी डिमांड्स को रेज करें, समटाइम लोग सड़कों पर आके करें, समटाइम किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू करें, किसी नॉन एसोसिएशन ग्रुप के थ्रू करें, स्पेसिफिक डिमांड्स भी हो सकती हैं, ये डिफ्यूज यानी कि कन्फ्यूज डिमांड भी हो सकती, ठीक है ना. समटाइम हम देखते हैं कि पाकिस्तान में धरने होते हैं तो पहले कोई और डिमांड होती है, बाद में कोई और डिमांड होती है, एंड पर धरना किसी और डिमांड में खत्म हो जाता है, तो ये डिफ्यूज होता है. जनरली भी कोई डिमांड हो सकती है, पर्टिकुलर भी हो सकती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है और इफेक्टिव भी हो सकती है. थर्ड जो इनपुट फंक्शन है आलमंड का वो है इंटरेस्ट एग्रीगेशन. इंटरेस्ट एग्रीगेशन इज अ थर्ड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. इन ओवर एनालिसिस द सेकंड फंक्शन वी हैव नोटेड दैट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एजेंसीज एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टीज रेज देयर डिमांड एंड ग्रीवेंसेस इन अ आर्टिकुलेटेड फॉर्म. जैसे मैंने आपको पहले बताया एसोसिएशनल ग्रुप है, नॉन एसोसिएशनल, इंस्टीट्यूशनल है, इकोनॉमिक ग्रुप्स है, ये क्या करते हैं, ये अपनी डिमांड्स को रेज करते हैं. सेकेंड फंक्शन में डिमांड्स क्या हो रही है, रेज हो रही हैं, जमा हो रही हैं. Now the problem is mere placing of demand or problem is not sufficient of their translation into a fruitful policies. For that reason the issue of interest aggregation raised various demand and claim are to be aggregated into a consolidated form and after the political system action. Aggregation may be accomplished by the mean of formulation of general policy in which the interests are combined, accommodated and otherwise taken account for by mean of recruitment of political personals more or less committed to a political particular pattern of policies. अगर मैं आपको आम सादा उर्दू में समझाऊं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको इसका मॉडल जो है बताया था कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेट होगी, डिमांड्स रेज होगी, एग्रीगेट क्या करेगा, एग्रीगेट ये करेगा कि एक जैसी डिमांड्स के बंडल्स बना लेगा, उनको एक एक ग्रुप में डालता जाएगा और उसमें ये करेगा कि पॉलिटिकल सिस्टम को ये बताएगा कि पहले कौन सी डिमांड जो है फुलफिल होनी है और पहले कौन सी डिमांड फुलफिल नहीं होनी, कौन सी डिमांड जो है वो बहुत इमीडिएटली जो है वो पूरी होनी चाहिए और कौन सी डिमांड को हम बाद में फुलफिल कर सकते हैं, क्या वो यानी कि वो उसको जो है कंबाइन कर देगा, अकोमोडेट कर देगा, या वो एग्रीगेशन ये भी कह बता सकते हैं कि ये कौन सी डिमांड जो है बेकार है जिसके ऊपर अभी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. पॉलिटिकल सिस्टम कैन नॉट टेक सेपरेट स्टेप और अडॉप्ट मई फॉर ई सेट ऑफ कम डिमांड्स एंड क्लेम्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक एक डिमांड्स को देखें कि क्लेम्स को देखें. अगर ऐसा करेगा तो पाकिस्तान एग्जाम्पल है 22 करोड़ के बाद ही हर बंदे की डिमांड अलग है, हर बंदे का क्लेम्स अलग है, तो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए मुश्किल है कि हर बंदे की बात सुने. नेचुरली जर्नली पॉलिसी इज फॉर्मुलेटिव विच कवर्स ऑल डिमांड एंड क्लेम्स. ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी जो है पॉलिसीज बनाता है जो मैक्सिमम लोगों की डिमांड्स और क्लेम्स को कवर कर लेता है. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, करप्शन का इशू है, तो ये डिमांड के करप्शन खत्म की जाए, पॉवर्टी खत्म की जाए,
तो हर बंदा इस डिमांड को मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करेगा, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो जनरली इन इश्यूज को जो है वो ओवरकम करेंगे। आलमी स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एग्रीगेशन डज नॉट ऑलवेज वर्क इन ऑल सिस्टम इन डिवेलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम दीज आर क्लियरली डिमार्केट बट इन लेस डिवेलप बट नॉट इन लेस डिवेलप सिस्टम। ठीक है, डिवेलप आलमेंट अगेन हमें जो है कंपैरिजन बता रहा है कि डिवेलप पॉलिटिकल सिस्टम में ये बहुत एक्टिवली, यानी कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का फंक्शन अलग होता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन का फंक्शन अलग होता है, और क्लियरली डिमार्केशन होती है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन यहाँ पर हो रही है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन जो है अब यहाँ पर हो रही है। लेकिन डिवेलप स्टेट इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं होता, मिक्स होता है, यानी कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन भी हो रही होती है और वही इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के साथ एग्रीगेशन भी हो रही होती है, यानी कि डिवेलप स्टेट ज़्यादा एक्टिव हैं इन दो स्टेप्स में एज़ कम्पेयर टू अंडर डिवेलप। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इंटरेस्ट एग्रीगेशन आर डिफरेंट बिकॉज द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कॉमन पीपल and they are passed through the different channels to the authorities, but in authoritarian system of administration and tribal society both functions are performed by same function। आलमन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कंट्रीज से डेवलप है वहाँ पे दो अलग ग्रुप्स, यानी कि वॉलंटरी ग्रुप बता रहे होते हैं कि ये लोगों की डिमांड्स है, दूसरा ग्रुप ये बता रहा होता है कि हमने ये डिमांड जो है वो कम्बाइन कर दी, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि ये दोनों फंक्शंस बड़े अच्छे तरीके से अलग अलग लेवल पर परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन अथॉरिटेरियन सोसाइटी, अथॉरिटेरियन का मतलब जहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम होता है लेकिन वो हाईजैक होता है बाय द फ्यू पीपल, और ट्राइबल सोसाइटी यानी कि जहाँ पे वही कदीम पुराने रस्म और रिवाज को फॉलो किया जाता है, यहाँ पर ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मज़हब जो है वो डोमिनेट होता है, वहाँ पे ये फंक्शन जो ये फंक्शन जो है ना वो सेम पर्सन कर रहे होते हैं, यानी कि एक एक ही पर्सन, यानी कि एक के एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशनल ग्रुप जो है वही डिमांड रेज कर रहा होता है, वही आर्टिकुलेट कर रहा होता है, वही एग्रीगेट कर रहा होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये दोनों ही फंक्शन जो हैं पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रुप एंड नॉन एसोसिएशनल ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप और एसोसिएशनल ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल अगेन और एसोसिएशनल ग्रुप, ये दोनों ज्यादा ग्रुप एक्टिवली ही इंटरेस्ट आर्टिकुलेट भी कर रहे होते हैं, एग्रीग्रेट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन एसोसिएशनल, और नॉन एसोसिएशनल हमेशा याद रखना बेटा वो हम लोगों से लिंक करता है, यानी कि अगर हम लोग एक एथनिक के, एक जुबान के, हम एक मज़हब के हैं, तो हमने जो ग्रुप बनाया वो नॉन एसोसिएशनल, तो हम लोगों से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल यानी कि ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है, या एसोसिएशनल यानी कि जो ताजे बरादरी है, ट्रेड यूनियन वगैरह है, ये लोग ज़्यादा एक्टिवली ये दोनों फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो फोर्थ फंक्शन है आलमेंट का वो है पोलिटिकल कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है, क्या कम्युनिकेट करता है, सो फॉर वी न्यूटेड थ्री फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ट्रस्ट आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, दीज थ्री फंक्शन परफॉर्म बाय द मीन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यानी कि अगर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है तो ये तीनों फंक्शन जो है परफॉर्म होंगे। All sort of interests are articulated through communications, यानी कि लोग जब बातचीत करते हैं, communicate करते हैं, तभी तो demands raise होती हैं, जमा होती हैं, और फिर ही aggregate होती हैं, क्योंकि communication है। जब तक communication ही नहीं होगा, political communication ही नहीं होगी, जब तक कोई channel ही नहीं होगा जिसके through आप government को अपनी बात बता सकें, तब तक आपकी बात कैसे सुनी जाएगी। Naturally, without communication, the political system will not be in position to discharge any function. In every political system, there must be a network of elaborated communication systems. It must have enough autonomy to work independently. अगर ये function, अगर political communication independent हो, इस पर कोई pressure नहीं होगा, तो ही आपकी demand जो है वो बेहतर तरीके से आगे जाएंगे। देखिए आजकल के दौर में कितने communication के channel हैं, आपकी political parties हैं, आपका media है, आपका newspaper है, आपका social media है, ये सब क्या है, ये आपके channels हैं आपकी demand हुकूमत तक पहुँचाने में। We can treat it as important precondition and essential for the successful functioning of the political system. तो आलमेंट कहता है ये अच्छे political system की जो है के लिए political communication लाजमी है। All organization must have freedom to articulate interests. These are being aggregated, must be communicated to the relevant authority, must be communicated होना चाहिए, उसको बताना चाहिए अथॉरिटी को कि ये डिमांड्स हैं, ये इश्यूज हैं, इसको हमने रिजॉल्व करना है, ये हमारी जो है डिमांड्स हैं, इसको फुलफिल होना है। रेलिवेंट अथॉरिटी, बेटा ये बात याद रखना, रेलिवेंट अथॉरिटी, अगर ट्रेड
यूनियन कोई अपनी डिमांड एग्रीगेट करती है या आर्टिकुलेट करती है तो कम्युनिकेट रेलिवेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। इन रेलिवेंट अथॉरिटी के पास जाएगी, अगर कम्युनिकेशन चैनल ही गलत होगा तो अगर इन रेलिवेंट अथॉरिटी के पास जाएगी तो उनकी डिमांड क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी, आउटपुट उनकी अपने इनपुट या डिमांड के मुताबिक नहीं होगा। सिंस इन अथॉरिटेरियन सिस्टम देयर इज नो एलैबोरेट इफेक्टिव नेटवर्क पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, अथॉरिटेरियन अगेन जो डोमिनेटेड हो बाय द फ्यू पीपल, जो इतना डेमोक्रेटिक इन नेचर ना हो, इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन फंक्शन, दिस इज एसेंशियल इन कैरेक्टराइजिंग अ पॉलिटिकल सिस्टम टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट ऑल पॉलिटिकल फंक्शन आर परफॉर्म बाय द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज अ क्रूशल बाउंड्री मेंटेनेंस फंक्शन। सो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेट करता है आपके इंटरेस्ट को, आपके इंटरेस्ट एग्रीगेशन के फंक्शन को, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के फंक्शंस को। यानी कि आप चैनल कंसिडर कर लें कि ये बकायदा बताता है कि आपके डिमांड्स कौन कौन से हैं, आपने कौन कौन सी डिमांड्स जो हैं वो एग्रीगेट होने हैं, आपका इनपुट फंक्शन क्या है, आपके आउटपुट फंक्शन के एक चैनल है जो एक इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है। इन वन एरिया और सब सिस्टम क्लेम आर मेड इन ट्रांसमिटेड टू अनदर सब सिस्टम थ्रू कम्युनिकेशन। यानी कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम के सब सिस्टम होते हैं या आपकी सोसाइटी के सब सिस्टम होते हैं, उसमें क्या करता है, ये एक कम्युनिकेशन का चैनल है, बातें चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करता है। द सक्सेस ऑफ द इनपुट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज टू लार्ज एक्सटेंड डिपेंड अपॉन द एफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। But in unfortunate that such a network is not always available in all system, government are inclined to control communication. आप तक information की access नहीं होती, true information आप तक नहीं पहुँचाई जाती, या sometime आप इन political communication के through अपनी demand को तक पहुँचाते हैं relevant authority तक, लेकिन वो channel ही cut कर दिया जाता है। आपका मीडिया आज़ाद नहीं होता, आपका न्यूज़पेपर आज़ाद नहीं होते, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लोग इफेक्टिव नहीं होते जो आपकी डिमांड्स को रेज कर रहे होते हैं। तो जो कंट्रोल डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पर ये चैनल इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो कम्युनिकेशन बेसिकली चैनल है जो आपकी डिमांड्स को, आपकी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन को रेलिवेंट बंदे तक लेके जाता है। अगर हम आउटपुट फंक्शन की बात करें तो आलमर्ट जो है आलमर्ट फंक्शन के पे एक थोड़ा स्टडी देते हैं और उसका सिर्फ यही कहते हैं कि आउटपुट फंक्शन जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के वो है रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एजुडिकेशन। और आलमर्ट यही कहते हैं कि जो डेवलप स्टेट है वहाँ पर ये फंक्शन बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किए जाते हैं, और जो डेवलपिंग स्टेट है वहाँ पर ये फंक्शन जो है वो इतने एक्टिव नहीं होते। अगेन मैं आपको बता दूँ, रूल मेकिंग काम जो है वो लेजिस्लेचर का है, रूल एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव का है, रूल एजुडिकेशन जो है वो जुडिशरी का है। और ये काम जो है ज़्यादा इफेक्टिव वे में जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंट वे में जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है बस आप आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगेन इनपुट और आउटपुट जो है वो कनेक्टेड होता है थ्रू फीडबैक। जो आपका आउटपुट होगा वो अगर पॉजिटिव होगा तो वो आपकी सपोर्ट बन जाएगी पॉलिटिकल सिस्टम की, अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा दोबारा इनपुट हो जाएगा। यानी कि इनपुट और आउटपुट जो है फीडबैक से कनेक्टेड है। और आउटपुट फंक्शन के बारे में सिर्फ आलमेंट इतना कहते हैं कि उनका गवर्नमेंट का काम क्या है कि रूल मेकिंग करता है, रूल एप्लीकेशन करता है या रूल एजुकेशन करता है। हाँ, लेकिन डेवलप और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी जो है एप्लीकेशन एजुकेशन और मेकिंग की जो आप ही कह लो एबिलिटी है डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग वो डिफरेंट होती है। आई होप आपको ये इसका पॉलिटिकल सिस्टम समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, बेटा डू आस्क मी, व्हाट्सएप करें, मुझे मैसेज करें, कॉल करें, जो मेरे वर्किंग आवर है, जो भी चीज़ नहीं समझ आई आप मुझसे काइंडली पूछें। अल्लाह हाफिज़।